हेलो, मैं शिवम गुप्ता आयुका साइपॉप टीम से आपका स्कूल स्टूडेंट एस्ट्रोनॉमी कैंप में स्वागत करता हूं। आज हम सोलर सिस्टम के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा, लेकिन आज थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि आपको काफ़ी दिन हो गए स्कूल गए। तो सोलर सिस्टम क्या है? सोलर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें बहुत सारे और बहुत तरह तरह के सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि स्टार, प्लैनेट, मून, एस्ट्रॉयड एंड कॉमेट। हमारे सोलर सिस्टम में एक स्टार है जिसे हम सन कहते हैं। ये क्या है? ये एक हॉट बॉल ऑफ गैसेस है। इसकी अपनी खुद की एनर्जी है और खुद की लाइट भी है, और शायद इसीलिए पृथ्वी पे लाइफ है। सन के बाद आते हैं प्लैनेट्स। हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं, मर्कुरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। अब ये प्लैनेट्स क्या होते हैं? प्लैनेट्स वो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि हमारे सन को ऑर्बिट करते हैं। इनकी अपनी खुद की ऑर्बिट होती है और ये डिफरेंट डिफरेंट टाइम लेते हैं सन को एक बार ऑर्बिट करने में। हमारी अर्थ को लगभग 1 साल और कह सकते हैं 365 डेज लग जाते हैं। अब प्लैनेट्स के बाद आते हैं मून। मून क्या होते हैं? मून को हम बोलते हैं नेचुरल सैटेलाइट। ये क्या होती हैं? ये वो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि प्लैनेट को ऑर्बिट करते हैं। हमारी पृथ्वी का भी एक मून है, क्या आपको उसका नाम पता है? आप गूगल करना, अगर मिले तो बताना हमें, नहीं तो हम आपको बताएंगे। हमारे सोलर सिस्टम में 6 ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनके अराउंड मून्स पाए जाते हैं। 2 ऐसे प्लैनेट मर्करी एंड वीनस, इनके अराउंड कोई भी मून नहीं है। मून के बाद बात करते हैं कॉमेट्स की। कॉमेट क्या होते हैं? कॉमेट्स वो आइसी ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि सोलर सिस्टम के बाहर रहते हैं। जब वो सन का चक्कर लगाते हुए सन के पास आते हैं तो उनकी आइस पिघल जाती है, और पिघलने के बाद जब वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होती है तब उनकी एक टेल बनती है। ये टेल कभी कभी इतनी लंबी हो सकती है जितना कि अर्थ और सन की डिस्टेंस। अब अर्थ और सन की डिस्टेंस कितनी है? अर्थ और सन की डिस्टेंस लगभग 15 करोड़ किलोमीटर और 150 मिलियन किलोमीटर्स है। अब ये इमेजिन करना कि 15 करोड़ किलोमीटर कितना होता है, वो बहुत मुश्किल है। तो इसको करने के लिए हम नेक्स्ट सेशन में एक एक्टिविटी करेंगे जिसमें हम प्लैनेट्स के बीच की डिस्टेंस और उनसे सन की डिस्टेंस कितनी है उसे हम इमेजिन कर पाएंगे, उसे फील कर पाएंगे। अब कॉमेट्स के बाद आते हैं एस्ट्रॉइड्स। ये एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं? एस्ट्रॉइड को हम स्पेस रॉक्स भी बोलते हैं। ये स्पेस में प्रेजेंट रॉक्स होती हैं। जनरली आपको एस्ट्रॉइड एस्ट्रॉइड बेल्ट में मिलेंगे। ये एस्ट्रॉइड बेल्ट कहाँ है? ये एस्ट्रॉइड बेल्ट जुपिटर और मार्स के ऑर्बिट के बीच में है, और इसमें बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स प्रेजेंट हैं। आप लोगों ने कभी कभी मूवीज में देखा होगा कि स्पेस क्राफ्ट एस्ट्रॉइड बेल्ट में चला गया और उससे एस्ट्रॉइड टकरा रहे हैं, लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप स्पेस क्राफ्ट या रॉकेट एस्ट्रॉइड बेल्ट में ले जाएं तो शायद ही आपसे कोई एस्ट्रॉइड टकराए। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि एस्ट्रॉइड्स जो एस्ट्रॉइड बेल्ट में प्रेजेंट हैं वो भी आपस में एक दूसरे से बहुत बहुत दूर हैं, तो उनसे टकराना या उन्हें देख पाना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। तो ये रहा सोलर सिस्टम के बारे में थोड़ी सी जानकारी। होप आपको ये पसंद आया होगा, और नेक्स्ट सेशन में हम
एक एक्टिविटी करेंगे, उसके लिए आप तैयार रहिएगा। उसमें आपको एक पेपर और पेन लगेगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और घर में रहिए। हम बेसिकली एस्ट्रोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो एस्ट्रोनॉमी में क्या होता है? तो एस्ट्रोनॉमी में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, और इन बहुत सारी चीज़ों में हम बात करते हैं, तब एस्ट्रोनॉमी में बेसिकली क्या आता है? तो सोलर सिस्टम आती है। और ये सोलर सिस्टम जो है, तो ये सोलर सिस्टम में क्या है, तो सन है, और हमारे साथ में लगभग 9 प्लैनेट थे, अभी प्लूटो उसमें नहीं है, तो 8 प्लैनेट। तो सन से लेके प्लूटो तक हम ये सोलर सिस्टम कहते हैं। अब ये सोलर सिस्टम का जो डिस्टेंस है और स्केल है, या उनकी दूरी जो है एक दूसरे की तरफ से, तो इन दूरियों के बारे में बात करते वक्त, तो सन से लेके अर्थ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना डिस्टेंस है? ये 15 करोड़ किलोमीटर है। और ये 15 करोड़ किलोमीटर, और इस हिसाब से हम सोलर सिस्टम की बात करने लगे तो गिनना ये बहुत ही मुश्किल हो जाएगा कि कितने जीरो आ जाएंगे इसके ऊपर। तो हम इसको छोटा सा ये कर देते हैं, कॉम्पैक्ट कर देते हैं इसको छोटा अलग। अब और सन का डिस्टेंस जो है वो लगभग है 15 करोड़ किलोमीटर। अब 15 करोड़ किलोमीटर के लिए हम एक यूनिट बना दे, दैट इज जो है इस यूनिट को हम 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। अब मेजरमेंट और डिस्टेंस कितना हो गया? एकदम कम हो गया कि ना, आसान हो गया याद रखने के लिए। तब हम सोलर सिस्टम जो है वो सन से लेके आपके नेपच्यून तक कितनी होती है? तो लगभग 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है, 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो सन से लेके अर्थ आती है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में, और अब आ गया टोटल सोलर सिस्टम 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में। अब ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तो आ गया, लेकिन ये सोलर सिस्टम के हम जब इमेजेस देखते हैं, तो इमेजेस में क्या होता है कि सन दिखाते हैं और सारे प्लैनेट हमें दिखा देते हैं। और ये सारे प्लैनेट हम जब देखते हैं, तो इनमें क्या होता है कि सारे जो है वो लगभग अपने डायमीटर और स्केल के हिसाब से नहीं होते, तो हमेशा फुटनोट लिखा रहता है कि नॉट टू द स्केल। तो हम स्केल के हिसाब से, अभी तो हमें स्केल मिल चुकी है, हमारी टोटल सोलर सिस्टम जो है वो 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की है, तो हम इसका प्रयोग करके हम एक एक्टिविटी बना सकते हैं, एक एक्टिविटी कर सकते हैं। एक तरफ लिख दूंगा मैं सन, सन क्या हो गया हमारा, लिखते वक्त मैं बिल्कुल ही छोटे अक्षरों का प्रयोग कर रहा हूं, क्योंकि हमारा डिस्टेंस के हिसाब से हम जब लिखते जाएंगे तो हमें ये कोने में, इस सन के नजदीक में मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये बहुत ही नजदीक आएंगे। तो इनको बायफर्गेट करने के लिए, हिसाब से समझने के लिए मैं क्या करूंगा, ये सन को मैंने लिख दिया यहाँ पे सन छोटे अक्षरों में। वैसे ही इस तरफ क्या लिखना है मुझे? नेपच्यून। ये बन गया मेरा नेपच्यून और सन, ये दो आ गए। अब मुझे क्या करना है, इन पेपरों को सन की तरफ से मुझे काम करना है। अब मैं सन को लेके मोड़ दूंगा इस नेपच्यून की तरफ। तो ये हमारा कितना डिस्टेंस था सन से लेके नेपच्यून तक का डिस्टेंस था हमारा, ये पूरा का पूरा डिस्टेंस था पूरा 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को मैंने, 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को मैंने मोड़ दिया, तो ये हाफ हो गया, ये हाफ हो गया, तो ये हाफ डिस्टेंस कितना हो गया? 15 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब ये 15 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में हमारा कोई प्लैनेट आता है इसके, सन और नेपच्यून के बीचों बीच में, तो एग्जैक्टली सेंटर में 15 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पे कोई प्लैनेट नहीं है। लेकिन नेपच्यून के बाद यूरेनस जो आता है, वो यूरेनस आता है 19 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में। तो अभी 19 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की जगह अभी मैं क्या करता हूँ, ये हमारा जो मार्किंग है ना हाफ वाला, 15 वाला, ये 15 वाले मार्किंग पे मैं टेम्पररी मैं इस पे लिख देता हूं यूरेनस। डिस्टेंस कितना हो गया हमारा एक्चुअली?
15 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, लेकिन ये आता है हमारा 19 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पे। अब ये हो गया मेरा सन से लेके यूरेनस का डिस्टेंस 15 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे वापस एक और फोल्ड लगाना है, यूरेनस का जो फोल्ड था और सन का, इसके बीचों बीच और एक फोल्ड लगा दिया मैंने बड़ा सा। अब क्या हो गया, ये 15 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का फिर मैंने हाफ कर दिया, ये फिर हाफ हो गया 15 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का, ये हो गया 7.5 यूनिट, 7.5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और 7.5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पे इस यूरेनस और सन, इन दोनों के बीच में कौन सा प्लैनेट आता है, तो इन दोनों के बीच में लगभग 9.5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पे आता है सैटर्न। तो यूरेनस के पहले आएगा भी सैटर्न, डिस्टेंस कितना है अभी हमारा 7.5, बट मार्क कहां कर रहे हैं 9.5 पे सैटर्न आता है, ठीक है। अब मैंने क्या किया था, सन और यूरेनस के बीच में फोल्ड लगाया, यहां पे हमारा बीच में आता है सैटर्न, सैटर्न का जो डिस्टेंस है वो 9.5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पे आता है, तो मैंने यहां पे मार्क कर दिया 9.5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये सैटर्न का डिस्टेंस हो गया। लेकिन कितना हुआ है, ये 15 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का हाफ हो गया, तो 7.5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पे अभी हमने सैटर्न को मार्क कर दिया। अब सैटर्न को मार्क करने के बाद क्या करना है मुझे, वापस सन की तरफ से सैटर्न के बीच में इन दोनों को और एक फोल्ड लगा देना है और इन दोनों का हाफ करना है। अब कितना था मेरा, पहले 15 का हाफ किया 7.5, तो 7.5 का हाफ यानी लगभग 3.75 ये डिस्टेंस हो गया हमारा। अब 3.75 इस डिस्टेंस पे क्या आता है हमारा, उसके बाद आता है जुपिटर, वो लगभग आता है डिस्टेंस 5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पे, तो यहां पे मैंने लिख दिया जुपिटर। ये आ गया हमारा 5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो हमने क्या किया, अभी जुपिटर को फोल्ड कर दिया, अब ये जुपिटर आ गया, अभी सन से लेके फिर वापस जुपिटर तक हमें और एक फोल्ड लगाना है। अब ये फोल्ड कितना हो जाएगा हमारा, कि हमने जो जुपिटर का फोल्ड लगाया था वो था 5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, अब ये फोल्ड जो है वो उससे कम हो जाएगा, अब ये जो है 3.75 का हमारा ये बचा था, तो ये मैंने फोल्ड कर दिया। अब जुपिटर के बाद ये वाला फोल्ड किस पे आया, 3.75, तो उसका हाफ कितना हो गया 1.87 पे हमारा आता है मार्स, मार्स का डिस्टेंस जो है दैट इज 1.5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, तो अभी हमारा 1.8 पे आएगा मार्स, दैट इज 1.5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब इसके बाद में ये 1.5 का हो गया, 1.5 का हाफ कितना हो गया, तो ये लगभग होता है हमारा 0.9, तो और एक हमें सन से लेके इसको धीरे धीरे फोल्ड लगाना है। अब जितना आगे चलते जाएंगे वैसे हमारे फोल्ड जो है वो और छोटे छोटे जाए, तो बड़े ख्याल से आपने इसे फोल्ड लगाना है। तो ये मैंने फोल्ड बना दिया, आप क्या है ये 0.9 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। अब 0.9 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पे क्या आता है, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पे आती है अर्थ, तो ये आ गया हमारा अर्थ का लोकेशन, दैट इज अ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये पॉइंट अभी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का फोल्ड लगा, अभी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के हाफ करना है, यानी कि हमारा जो डिस्टेंस था उसमें 0.9 का था ना फोल्ड, या भी 0.9 का फोल्ड को हमने और एक फोल्ड लगा दिया, तो ये क्या हो गया 0.9 का 0.45 का हो गया,
अब 0.45 पे क्या आता है, तो हमारा आता है 0.39 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पे मर्क्यूरी आता है। तो अब ये जो फोल्ड लगेगा ना, हाँ लग गया, देखो कितना बड़े आराम से लगा ये फोल्ड, क्योंकि इसमें दिक्कत ही आ सकती है, क्योंकि जितना छोटा होता जाएगा तो उसमें प्रॉब्लम होगा। तो ये आ गया लोकेशन मर्क्यूरी का। That is 0.39 astronomical unit. लेकिन मर्क्यूरी और अर्थ के बीच में 0.72 पे है वीनस, तो इन दोनों के बीच में एंड क्लोज टू द अर्थ, अर्थ के थोड़ा सा नजदीक आएगा हमारा पॉइंट वीनस का। तो मैं यहां वीनस लिख रहा हूं, दैट इज 0.72 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो देखिए हमारे जो मोस्ट ऑफ द प्लैनेट्स है, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये बहुत ही क्लोज टू द सन है, बहुत ही नजदीक है सन के। उसके बाद क्या है, जुपिटर है, ऑलमोस्ट हमारी पूरी सोलर सिस्टम के बीचों बीच में आता है यूरेनस। तो अब इस डिस्टेंस का आप अंदाजा लगा सकते हो कि हमारे जो पहले चार प्लैनेट है ये सारे के सारे रॉकी प्लैनेट है, और आगे के चार जो है वो गैशियस प्लैनेट है।